वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में एक बार फिर से वैकेंसीज आ चुकी है, तो इस पूरी वैकेंसीज के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, 2019 में ये 1/2019 के नाम से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का ये सेक्शन है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर। रिपोर्टर के लिए ये वैकेंसीज आई है, और इस वैकेंसीज के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस किस कब से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। बिहार विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 1/2019 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जिसको आप कहते हैं, तो वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा दिन के 11 बजे से, और 19 जुलाई तक आपके पास टाइम रहेगा। यानी सिर्फ 19 दिन का समय है आपके पास, और इसी 19 दिन के अंदर आपको फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 1 जुलाई अभी आने में 2 दिन बाकी है। आज 28 जून है, जो मैंने ये वीडियो जिस दिन पब्लिश किया 28 जून है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 19 जुलाई के शाम के 5 बजे तक है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट जब तक है, तब तक आपके पास वो डिग्री हो जानी चाहिए, यानी आप उस समय तक पास होने चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ। यहाँ पर देखिए, उसके साथ ही आपसे क्या मांगा गया, साथ ही हिंदी आशुलिपि जिसको कहते हैं स्टेनो, 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति, तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन आना चाहिए। टाइपिंग जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आनी चाहिए। 35-35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और आशुलिपि जिसमें स्टेनो जिसको कहते हैं 140 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, और टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। उसके बाद आरक्षण जो है वो राज्य सरकार के हिसाब से जिस तरह से मिलता है बिहार में वैसा मिलेगा, यानी जिनको अस्थायी निवास बिहार राज्य में है जिनका, उनको आरक्षण मिलेगा। उनको मूल निवासी बिहार का जो है उन्हीं लोग को आरक्षण मिलेगा। बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और उनके लिए कॉलम है कि उसमें आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, उसमें अस्थायी पते के हिसाब से ही जो है अनुमान्य होगा। अगला यहाँ पर दिया गया आरक्षण की कोटी, तो कोटी के हिसाब से उसी तरह से होगा, कोटी अलग अलग दी हुई होगी उसके हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में कुछ यहाँ पर दिया गया, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रिमिलेयर रहित निवास प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर दिया गया है, वो सब निर्गत जहाँ से कराना होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार यानी मेडिकल बोर्ड के द्वारा वैध प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40%, जो लोग देखिए जो लोग हैंडीकैप हैं उनको अगर चाहिए उसके लिए अलग से उनको अगर है तो 40% उनके सर्टिफिकेट के अंदर दिव्यांगता लिखी होनी चाहिए, तभी उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके लिए जो आरक्षण की बात है, 2% क्षैतिज आरक्षण होता है,
जैसे उनके नाती नतनी पोता पोती के लिए, ये आप सभी को पता ही है, बिहार की जब भी वैकेंसी जाती है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है। अब उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु जो 1/8/2018 को मांगी है इन्होंने, 1/8/2018 को न्यूनतम आयु 21 साल मांगी है। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है 1/8/2018 या 2019, पता नहीं, 2019 होना चाहिए। वैसे 2018 मांगा है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिल जाएगा, कुछ लोगों को उसके बाद यहाँ पर देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सभा सचिवालय द्वारा प्रतिवेदक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2016 के आलोक में आवेदन किया है, उनकी उम्र सीमा की गणना 1/7/2016 के आधार पर ही की जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी ये वैकेंसीज आ चुकी थी, उस समय जब जो लोग 1/7/2016 के आधार पर उनकी गणना की जाएगी, जिन्होंने 1/2016 के आधार पर आवेदन किया था। अधिकतम आयु की बात करें तो 37 साल, देखिए 2018 ही है ये, करेक्ट है, 2018 को 21 साल और अधिकतम जो है वो 37 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है, यहाँ पर 40 वर्ष एवं देखिए अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला, इन सभी के लिए 40 वर्ष है। पुरुष एवं महिला के लिए अत्यंत पिछड़ा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष तक जो है ये आरक्षण होता है, एज में इनको छूट मिलती है। उसके बाद कार्मिक एवं प्रशासन विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतने के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया 5 वर्ष का छूट मान्य होगा, जो आरक्षण में मिल जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है 3 वर्ष का मिलता है और 5 वर्ष का मिलता है, वो अलग अलग मिलता रहेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर परीक्षा की पद्धति यानी एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरह से होगा, सर्वप्रथम देखिए क्या किया जाएगा, आशु लिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले जो है स्टेनो की एग्ज़ाम लिया जाएगा, सबसे पहले हिंदी के लिए स्टेनो का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग आपसे टाइपिंग ली जाएगी, जो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 मिनट तक आपसे जांच कराई जाएगी टंकन की, यानी आपसे टाइपिंग कराई जाएगी टंकन यानी टाइपिंग। आशु लिपि आपको 700 शब्द दिया होगा, जिसमें 5 मिनट के लिए 140 शब्द प्रति मिनट आपको वो टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है गलतियाँ जो टाइपिंग में 1.5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी अंग्रेजी टंकन में हुई गलतियों में छूट देने की सीमा की वृद्धि की जा सकती है, अगर किसी तरह का उनको लगता है कि कुछ अगर अभ्यर्थी उतने नहीं मिलेंगे उनके पास, कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं हुए, तो उसकी गलती जो 1.5% इन्होंने किया है इसको बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक, देखिए किसी को अगर पहले ही यूपीएससी या फिर बीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में डिबार्ड कर दिया जाता है ना, जब कोई चोरी या चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो उनको डिबार्ड कर जाता है, तो वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद मेधा सूची किस तरह से बनेगी, देखिए मेधा सूची बनेगी यहाँ पर आशु लिपि परीक्षा में 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। उसके बाद मेधा परीक्षा जो है उक्त पद के लिए आशु लिपि के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की निर्धारित शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की यानी स्टेनो के हिसाब से आपकी यहां पर बनेगी जो मेरिट बनेगी। परीक्षा शुल्क यहां पर आपसे लिया जा रहा है 600 रुपये, काफी ज्यादा लिया जा रहा है किसी भी एग्जाम में, अदर स्टेट के एग्जाम में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में तो 100 रुपये लिया जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आपको मैंने ये सारी जानकारी दी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।